आज के वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में टेक्स्ट रैप, मर्ज, फॉर्मेट प्रिंटर जैसे ऑप्शन कैसे यूज किए जाते हैं सीखेंगे। अगर हमें एक ही सेल में अपने डेटा को एडजस्ट करना होता है तो हम लोग टेक्स्ट रैप का यूज करते हैं। आप टेक्स्ट रैप कैसे लगा सकते हैं या फिर सेल्स को हमें जोड़ना हो तो मर्ज सेल जैसे ऑप्शन यूज किए जाते हैं। अगर मर्जिंग हो जाती है तो उनको कैसे हटाया जाता है या सेल में फॉर्मेटिंग करने के बाद वही फॉर्मेट आपको और सेल्स पे भी अप्लाई करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। आज के वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, डेटा एंट्री जैसे कामों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। अब हम लोग सीखते हैं रैपिंग पे यूज कैसे करेंगे। रैप टैग्स, जब भी आपके पास एक से अधिक सेल हो तो आप कॉलम का साइज बदलने के बजाय टैग्स को रैप करने का अगर डिसीजन लेते हैं तो टैग्स को रैप करने से कंटेंट को सेल में किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं, तो रैपिंग करने के लिए या रैपिंग क्या होती है सबसे पहले आप वो देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ये टैग्स लिखा हुआ है और ये टैग्स आप देख रहे हैं कि डबल लाइन में सेट है, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग कैसे से टाइपिंग कर सकते हैं, वो टाइपिंग हमारी स्ट्रेट थी, हमने कोई भी मैटर को नेक्स्ट लाइन में सेट नहीं किया था। लेकिन एक्सेल में रैपिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से एक सेल में सेट करोगे। तो यहाँ पर हम लोग, ये मैटर है हमारा, ये शीट आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा मैटर है वो सीधा सेट है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जो भी हमारा मैटर है ओवरलैप हो रहा हो तो आप सेल्स को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर हमें सेल को इंक्रीज नहीं करना है, साइज यही रखना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो मैटर है ये इसी सेल में सेट हो जाए, तो आप रैपिंग जैसे ऑप्शन का यूज करोगे। एक तरीका है या तो आप पूरे रो को सेलेक्ट कर लो, दूसरा जितना आपका सिंगल सेल अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक सेल को करना पड़ेगा, तो जो सेल है आप जहाँ तक का लेना है आप उतना सेल सेलेक्ट कर लो, फिर आप यहाँ से रैप ऑप्शन का यूज करोगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पूरी लाइन पे लिखा है, लेकिन रैप लगाते देखिए आप वो जो मैटर है हमारा वो सेकेंड लाइन में सेट हो गया है। तो इसी तरह से जब हम लोग रैपिंग ऑप्शन का यूज करेंगे तो जो आपका मैटर है जो आप सेट करना चाह रहे हो वो देखो आपका नेक्स्ट लाइन में सेट हो गया है। लेकिन कई मैटर ऐसे है जैसे ये मैटर है हमारा, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं सेट हुआ है जबकि हमने रैपिंग ऑप्शन को एक्टिव किया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला बार पर कर्सर रखकर, दो तरीके हैं आप ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला बार पे कर्सर रखकर आप स्पेस की प्रेस करोगे। जब आप स्पेस की प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका टेक्स्ट मैटर था वो हाइड हो गया है, लेकिन जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका, जब आपको नहीं याद रहता है कि आप स्पेस कितना चलाओगे और कितना मैटर को आगे लेकर जाना है तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे। जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऑल्ट के साथ एंटर की प्रेस करोगे, आपका मैटर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से अपने सेल्स को सेलेक्ट करके रैप का यूज करके अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। एक तरीका आपने यहाँ से देखा कि किस तरह से हम लोग रैप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ से रैप नहीं लगाते हो, अलाइनमेंट के ऑप्शन में दिए गए कमांड बार पे आप यूज करोगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पे क्लिक करके ओके करते हो तो भी आपका जो टेक्स्ट है वो रैप हो सकता है। तो आप अलाइनमेंट ऑप्शन के कमांड बार से या रैप टेक्स्ट से अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका मैटर नहीं सेट होता है तो आप फॉर्मूला बार पे कर्सर रखकर स्पेस देके या फिर ऑल्ट के साथ एंटर की करके लाइन ब्रेक यूज करके भी अपने मैटर को सेट कर सकते हो। रैपिंग के बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब ये होता है जब हमें दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ना होता है। रैप में हम क्या कर रहे थे, एक ही सेल पे अपने टेक्स्ट को सेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक से ज्यादा सेल्स को जोड़ना मिलाना होता है तो हम मर्ज जैसे ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखो कि जो आपके कॉलम है ए से लेकर आपका एल तक का जो सेल है वो मर्ज है और आपका जो यहाँ पर डेटा प्लेस हो रहा है वो सेंटर अलाइन है। उसी तरह से कॉलम की मर्जिंग है, अभी हमें रो की मर्जिंग करनी है कि जो हमारा सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 का मर्ज है, मतलब 2 और 3 रो को सेलेक्ट करके मर्ज किया है। सेम प्रोसीजर हमने नेम पे भी किया है, 2 और 3 का मर्ज किया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हमने कॉलम की मर्जिंग की है, वापस से हमने रो की मर्जिंग की है। डिपेंड करता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें किस तरह से आपको मर्जिंग का यूज करना है। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कोई भी सेटिंग नहीं की गई है, जिस तरह से अभी हमने आपको पीछे के प्रोजेक्ट में दिखाया था
कि हमने किस तरह से इसको मर्ज किया हुआ है और इसकी प्रॉपर सेटिंग की हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन लगा लीजिए, जिससे डॉटेड लाइन आ जाएगी, आपको पता चलेगा आपका पेज इतना बड़ा है। अब सबसे पहले आपको जो स्कूल का नाम है वो सेंटर अलाइन करना है, और वो हमारा यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये लेफ्ट का अलाइन है तो जो मेरी टाइपिंग है वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसको प्रॉपर सेट करने के लिए आप सेल्स को सेलेक्ट कर लो जहाँ तक आपको मर्ज करना है। सेल्स को जब आप सेलेक्ट कर लोगे आप मर्ज सेंटर पे जाओगे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक्सेल लिखा हुआ है सिंगल सेल पे, लेकिन जैसे ही हमने मर्ज ऑप्शन का यूज किया दो सेल जुड़ गए और आपका जो एक्सेल वाला ऑप्शन है वो सेंटर अलाइन हो गया। उसी तरह से आपको स्कूल में सेंटर में लगाना है। आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो आप देखो आपका जो प्रोजेक्ट है में जो डेटा है वो सेंटर में सेट हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर जो हमने सीरियल नंबर दिया था उसके लिए 2 और 3 को मर्ज किया था, तो हम लोग रो को जब हमें मर्ज करना है, जैसे यहाँ भी 2 और 3 का मर्ज है, यहाँ भी 2 और 3 का मर्ज है, लेकिन ये हमारा कॉलम का मर्ज है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे फिर हम मर्ज कर लेंगे, फिर जितना भी हमको लेना है उस हिसाब से हम मर्ज कर लेंगे इनके। अब जैसे हमने ये मर्ज कर लिया, अब सब्जेक्ट वाला जो आ रहा है ये हमारी कॉलम की मर्जिंग है, तो जब हम यहाँ पे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज इन सेंटर डालेंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉलम भी मर्ज और सेंटर आता है। आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना हो अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करिए, यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट टॉप सेंटर बॉटम जैसे ऑप्शन दिए हैं वहां से आप अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को 2 की मर्जिंग करनी है, तो इस तरह से हम लोग मर्ज ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने आपको मर्ज दिखाया, उसी तरह अलाइनमेंट ऑप्शन के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ भी आपको मर्ज सेल ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप मर्जिंग कर सकते हो। अगर आपसे कोई मर्जिंग गलत हो गई है, जैसे ये मर्जिंग आपको नहीं यहाँ पे करनी थी और गलती से ये मर्जिंग यहाँ पर हो गई है आपसे, तो ये मर्जिंग हटाने के लिए जब आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अनमर्ज जैसा ऑप्शन मिलेगा, तब आप देखोगे कि आपका जो मैटर है या आपका जो सेल है वो सिंगल सेल में आ गया है और आप अपने मैटर को उठाकर दूसरे सेल में सेट कर सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ की मर्जिंग फिर से प्रॉपर सेट कर सकते हो। मर्ज ऑप्शन में हम लोग किस तरह से सेटिंग करते हैं, अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते हैं और मर्जिंग का कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें हमने जैसे ये सारी सेटिंग कर ली है, अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो प्रीव्यू चेक करने पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, मर्जिंग हमने की है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरी मर्जिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका डेटा है आप कंट्रोल ए करके उस डेटा को सेलेक्ट कर लो। हमने आपको फॉर्मेट से बॉर्डर ऑप्शन पिछले वीडियो में बताया था, आप अलाइनमेंट से भी बॉर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ से बॉर्डर आ जाएगा, आपको जो भी लाइन की वेथ लेनी है वो लेकर आउटलाइन इनसाइड करके जब आप ओके करोगे, क्योंकि एक्सेल के वर्कशीट में आपको जो ग्रिड लाइन दिखती है तो आपको लगता है कि ये ब्लॉक्स बने तो हुए हैं, लेकिन अभी हमने आपको प्रीव्यू में दिखाया कि उसमें किसी भी तरह की लाइन डिस्प्ले नहीं हो रही थी, लेकिन अभी जब हमने इसमें बॉर्डर लगा दिया है तो आप देखिए आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर तैयार हो गई है। जो भी सेल हमने मर्ज किए थे उसमें उसी हिसाब से बॉर्डर लगाया गया है और सेटिंग आपकी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से मर्जिंग करके बॉर्डर की सेटिंग करके अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रैपिंग में और मर्जिंग में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर केवल रैपिंग का यूज है, किसी भी तरह की मर्जिंग नहीं की गई है। रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 को रैप करके हमने अपने टेक्स्ट को कैसे सेट किया है, अगर सिंगल सेल है, अगर स्ट्रेट टाइपिंग है तो वो स्ट्रेट टाइपिंग है, रैपिंग है तो रैपिंग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें रैपिंग के साथ मर्जिंग दोनों का यूज किया गया है, यहाँ पर 1 और 2 हमारे रो की मर्जिंग की गई है, उसी तरह से हमने पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए भी 1 और 2 की मर्जिंग की हुई है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक प्लान के लिए हमने यहाँ पर टैरिफ प्लान है आपका, तो यहाँ पर हमने सेल्स को सेलेक्ट करके कॉलम्स की मर्जिंग की है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने रैपिंग का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हमने सेल्स को मर्ज किया हुआ है और एक ही सेल पर हमने अपने डेटा को प्लेस किया है, तो रैपिंग और मर्जिंग में डिफरेंस है। रैपिंग आपकी एक सेल में डेटा को एडजस्ट करती है और मर्ज सेल आपके एक से अधिक सेल्स को जोड़ता है जिसमें आप अपनी वर्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर रैपिंग और मर्जिंग में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्रोजेक्ट्स देखकर एक बार ही उनको ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से पहले एक चीज हम आपको बता दें कि हम लोग एक्सेल में जो भी टाइपिंग करते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होती है। शायद आपने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब हम लोग यहाँ पर, जैसे हमने ये यहाँ पर टाइपिंग की हुई है,
तो जब हमने ये टाइपिंग यहाँ पे की तो आप देखिएगा ये टाइपिंग हमारी बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट पे प्लेस हुई है, लेकिन जब हम लोग कोई भी नंबर टाइप करते हैं वो हमारा राइट पे प्लेस होता है। तो जिस तरह हम लोग अपनी कॉपी में काम करते हैं या नॉर्मल वर्किंग करते हैं, तो जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है और जो नंबर होता है उसको हम लोग राइट से काउंट करते हैं, उसी तरह सेम एक्सेल में भी एंट्री होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने केवल आपको ये बता दिया था कि हम लोग किस तरह से टाइपिंग करते हैं, वहाँ पर अलाइनमेंट क्या सेट होता है। जैसे आप कभी इंटरव्यू के लिए जाओ और वो आपसे पूछ ले कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या हो, टेक्स्ट हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे अलाइन होता है और नंबर हमारा बाय डिफॉल्ट राइट पे अलाइन होता है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर की। फॉर्मेट प्रिंटर में जैसे आपने ये बनाया हुआ है टेक्स्ट, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। वर्ड में भी हमने फॉर्मेट प्रिंटर की बात करी थी, लेकिन एक्सेल में इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, जैसे ये रेंज है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमें इसमें जो भी कलर देना है वो हमने कलर दे दिया, बेस कलर सेट कर दिया, अगर हमें फॉन्ट बढ़ाना है तो हमने फॉन्ट भी बढ़ा लिया, बोल्ड करना है बोल्ड कर लिया, जैसी भी आपको सेटिंग डालनी है। अब आपको क्या करना है, ये क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और जिस भी सेल पे या रो पे आपको अप्लाई करना है बस आप एक सिंगल क्लिक करोगे, आप देखोगे वो अप्लाई हो गया है। अगर आपको एक सेल पर अप्लाई करना है तो बस आप एक सेल सेलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो और जिस भी सेल पे आपको लगाना है आप क्लिक करोगे तो देखोगे आपकी वो उस सेल पे अप्लाई हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सेल के तीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, और दो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट रैपिंग और मर्जिंग, उनके बिना हम लोग डेटा एंट्री जैसे काम में हमें बहुत दिक्कत आती है। आप ये ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ के तभी डेटा एंट्री जैसे काम कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।